श्री जी की नगरी नाथद्वारा में भी उदयपुर न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि गत रात 8 बजे भी शराब की दुकानें खुली रहने की शिकायत मिलने के बाद उदयपुर न्यूज की टीम मौके पर पहुंची तो शराब की दुकानें खुली मिली और इन दुकानों पर बैठे सेल्समैन धड़ल्ले से शराब बेचते उदयपुर न्यूज के कैमरे में कैद हो गए। ये खबर दिखाने के बाद जब मामला उजागर हुआ तो रेंज के आईजी ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए उच्चाधिकारियों को इस मामले को लेकर निर्देश जारी किए। हालांकि आपसी मिलीभगत के बिना इस तरह शराब की दुकानों को देर तक खोला ही नहीं जा सकता है, लेकिन कोई तब क्या कर सकता है जब साहब मेहरबान हो तो शराब की दुकानों के सेल्समैन पहलवान। अब देखना यह होगा कि आईजी साहब के आदेश के बाद पुलिस किस तरह की सख्ती बरतती है। वहाँ पर शराबबंदी की मांग लगातार उठ रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमारे एक रिपोर्टर ने वीडियो बनाया था, रात को 9:30 बजे शराब की दुकानें खुली हुई थी और पुलिस की जो गाड़ी थी पेट्रोलिंग गाड़ी उसके बाहर से निकल रही है और लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही थी। ये तथ्य आप हमारे को बताइए, हम जांच कराएंगे। अगर उसमें किसी की नेग्लिजेंस है या इस तरह का, कौन सी गाड़ी थी, क्या था और इस तरह के अगर कोई इश्यूज है तो हम जांच। हेडक्वार्टर पे तो ठीक है, नॉर्मल बात कर रहे हैं, लेकिन नाथद्वारा और आमेर क्षेत्र दो क्षेत्र ऐसे जहाँ पर शराब की दुकानें न तो खुलने का कोई टाइम है न बंद होने का कोई टाइम है। या आप अभी आप जो बता रहे हैं तथ्य, इसके बारे में भी हम हमारे अधिकारियों को इसके बारे में चर्चा करेंगे और इस तरह की व्यवस्था करेंगे कि जो राज्य सरकार के द्वारा नियम निर्देश दिए गए हैं उनके पालना हो।